नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से पाकिस्तान हो या चीन, इन दोनों ही देशों के अंदर हलचल मच गई है। दरअसल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM का टेस्ट किया गया। आईएनएस अरिहंत एक परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी है और जिस मिसाइल को इससे टेस्ट किया गया वो एक परमाणु मिसाइल है और भारत दुनिया के अब चुनिंदा देशों में भी शामिल हो चुका है, यानी कि भारत अब किसी भी परमाणु हमले का जवाब दे सकता है। अरिहंत जिसका मतलब अपने आप में ही शत्रु का विनाश करने वाला है। 2016 में आईएनएस अरिहंत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। भारत ने साल 2020 में K4 SLBM का टेस्ट किया था जिसकी रेंज करीबन 3500 किलोमीटर है और ये टेस्ट ऐसे समय पर हुआ है जब हमारे पारंपरिक दुश्मन चीन और पाकिस्तान परमाणु लॉन्च प्लेटफॉर्म्स और हथियारों को बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में जो पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास अभी Babar-3 है जो कि एक SLBM है जो समंदर के अंदर से पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है और इसकी रेंज है 450 किलोमीटर। इसके अलावा पाकिस्तान की नौसेना की अगर बात की जाए तो उनके पास 5 अगस्ता क्लास की कन्वेंशनल पनडुब्बियां हैं। उनकी माने तो पाकिस्तान के पास भारत की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने की क्षमता है, जिससे कि पाकिस्तान हमेशा अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी बातें कहता है। 2019 में जर्नल फॉर पीस एंड न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने साल 2012 में नौसेना रणनीतिक बल कमान तैयार किया है। इसे समंदर में परमाणु हथियार तैनात करने के मकसद से बनाया गया था। भारत की ही तरह पाकिस्तान भी लंबी दूरी की SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार करना चाहता है, लेकिन उसके पास संसाधन जो है वो बहुत ही सीमित है। और ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान का ऑल वेदर दोस्त चाइना, जिसके लिए पाकिस्तान ने चीन से भी अनुरोध किया है कि उसे साल 1980 की पुरानी हो चुकी जो टाइप 092 पनडुब्बी है उन्हें किराए पर वो दे और साथ ही पाकिस्तानी नौसैनिकों के लिए ट्रेनिंग भी मुहैया कराए चीन। दरअसल भारतीय नौसेना की क्षमता केवल यहीं तक सीमित नहीं है। भारत ने साल 2019 में रूस से Akula-2 क्लास की परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी को लीज पर लिया था। भारत का मकसद एडवांस और एक परिष्कृत पनडुब्बी को ऑपरेट करना सीखना था और जैसे ये बात पाकिस्तान को पता चली तो पाकिस्तान ने चीन से तुरंत संपर्क साधना शुरू कर दिया, जिसमें ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने शायद पनडुब्बी परमाणु रिएक्टर के निर्माण पर काम भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान दरअसल 2001 से पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ मिलकर नौसेना इस पर काम कर रही है, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली है। इसके अलावा चाइना भी हमारा एक घोर दुश्मन है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो भारत के परमाणु हथियारों से ज़्यादा चिंतित नहीं है, लेकिन भारत के पास ऐसे परमाणु हथियार भी हैं जो सीधा चीन को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में चीनी विशेषज्ञों की माने तो भले ही भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर विवाद जारी हो, लेकिन ऐसी नौबत कभी नहीं आने वाली कि परमाणु क्षमता का इस्तेमाल किया जाए। चीन अगर अपने पास मौजूद परमाणु हथियारों के जखीरे में इजाफा कर रहा है तो बस सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए। एक बात तो यहाँ पर साफ हो जाती है कि चीन हो या फिर पाकिस्तान, भारत किसी से पंगा तो नहीं लेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो इनका इस्तेमाल भी करेगा। और यही वजह है कि चाइना को भी ये बात मालूम है कि वो ज़्यादा भारत से पंगे नहीं ले सकता, इसीलिए वो घुसपैठ करने वाली कोशिशें, अपनी नौसेना को बार बार हिंद महासागर में भेजना, इस तरीके के काम करता रहेगा, यानी कि वो सिर्फ प्रवोक करता रहेगा। हालांकि आईएनएस अरिहंत से K-15 का परीक्षण किया गया था जिसकी रेंज 750 किलोमीटर तक है, लेकिन इसमें के सीरीज में और भी कई मिसाइलें हैं जो कि भारत को किसी भी परमाणु हथियार का जवाब देने में सक्षम बनाती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।